जय मां रेणुका। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर शुक्रवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं हिंदू तीर्थ स्थल और मंदिरों से जुड़ी अद्भुत जानकारी। आज हम आपको मां आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया बल्कि वह स्वयं भू प्रकट हुई है। यह मूर्ति यहाँ कैसे पहुंची उससे जुड़ी एक सत्य घटना है। वो सत्य घटना हम अपने सत्य घटना के सेक्शन में डालेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपसे वो सत्य घटना मिस ना हो तो आपके अपने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। माँ जगदम्बा को यूं तो उनके भक्त माँ एकवीरा, रेणुका, कुल स्वामिनी, जगदम्ब, आदिशक्ति, माहुरगढ़ देवी, यलम्मा देवी आदि नामों से पुकारते हैं। वो ही जगत माता है, जग कल्याणकारी है, लेकिन आमला शहर के पास छावल गांव में प्रकट होने की वजह से उनके भक्त उन्हें छावल वाली रेणुका माता के नाम से जानते हैं। आमला नगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आदि शक्ति माँ दुर्गा का वो पावन दरबार है जहां रेणुका माता की कृपा से हर रोज किसी ना किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती ही रहती है। जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्री रेणुका माता के दर्शन करने आते हैं, वहीं ईश्वर ने भी अपनी लीलाएं रची थी। छावल गांव की मां रेणुका पर अटूट श्रद्धा और आस्था रखने वाले भक्तों ने यहां अश्विन और चैत्र नवरात्रि पर मेले का आयोजन करना आरंभ किया। दूर दूर से भक्तगण मां रेणुका देवी के दर्शन को आते और दान पेटी में कुछ न कुछ दान डालते। उसी धनराशि से छावल गांव के भक्तजनों ने मां रेणुका देवी का प्यारा सा मंदिर बनाया। छावल गांव के भभूतगिरी परिवार के एक भक्त द्वारा मां रेणुका देवी के मंदिर की देखरेख और मां रेणुका की सेवा करना आरंभ किया। देवी रेणुका भगवान परशुराम की मां है। मां हर रूप में धन्य है, लेकिन जिस मां ने साक्षात नारायण को जन्म दिया उनकी महिमा तो देवताओं से भी बढ़कर है। देवी रेणुका ने इस संसार को परशुराम जैसा उपहार दिया था। उनके इस उपहार को नमन कर रहा है सूर्य पुत्री ताप्ती नदी और सतपुड़ा की गोद में बसा ये प्राचीन छावल माता मंदिर। यहाँ अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजी रेणुका देवी की भक्ति में उपासना में जीवन के चार पुरुषार्थ छिपे हैं। इसीलिए भक्त देवी की आराधना करना ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना समझते हैं। यहाँ की छावल रेणुका माता की जो भी भक्त सच्चे मन से भक्ति पूर्वक 5 यात्राएं करता है माँ की कृपा से उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए छावल वाली माता को कल्प वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि आज से लगभग 500 साल पहले छावल गांव की पहाड़ी पर एक संत महात्मा तप किया करते थे। गांव के आसपास घना जंगल होने के कारण यहां जंगली हिंसक जानवर रहा करते थे, जिसकी वजह से गांव में ये बातें फैली हुई थी कि जिस पहाड़ी पर साधु महात्मा साधना कर रहे हैं वहां शेर घूमते रहते हैं। इस तरह संत महात्मा ने देवी की कई वर्षों तक साधना की। देवी के बारे में यहाँ के लोगों की मान्यता है कि माँ रेणुका देवी दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। सुबह माता का मुख बाल्यमंडल अर्थात बाल्य अवस्था का होता है, दोपहर में मुखमंडल युवा जैसा दिखाई देता है और शाम ढलते वृद्धा समान दिखाई देता है। अपने भक्तों को हम यह भी बता दें कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। यह मंदिर आमला में है जो कि बैतूल जिला मध्य प्रदेश में आता है। बैतूल आप रोड और ट्रेन दोनों से पहुंच सकते हैं, जो भोपाल और इटारसी जैसे बड़े रेलवे स्टेशन से सीधा जुड़ा है और बैतूल से आमला नगर की दूरी 28 किलोमीटर है, जहां के लिए बस और रोड की सुविधा उपलब्ध है। फ्लाइट से जाने वाले पहले भोपाल पहुंचे और वहां से रोड और ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। माता के भक्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे भक्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। जय माता दी।